नमस्ते गाइस। तो आज मैं अपना संडे सिंपल रूटीन एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं संडे को ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करता, थोड़ा बहुत ही करता हूँ। उसमें से मेरा सबसे फेवरेट है साइकिलिंग। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले मैं एक साइकिलिंग ही करता हूँ अपने पैरों को स्ट्रांग करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे सेकेंड करता हूँ बैक पंचिंग। इससे क्या होता है, जो भी हमारा बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है। जिसको बैठने का बैलेंसिंग नहीं बनता है, जिसको चलने का बैलेंसिंग नहीं बनता है, उससे पंचिंग करने से क्या होता है कि हमारा अपर बॉडी भी स्ट्रांग होता है और हमारा बैलेंस भी बनता है। तो जिस किसी को भी प्रॉब्लम है, अगर पंचिंग नहीं कर पा रहा है तो अपना नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकता है। तो उससे क्या रहेगा, आपका बैलेंस भी बनेगा और आपका जो स्टिफनेस रहेगा वो भी आपका दूर होगा। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रिजिंग। ब्रिजिंग आपको पता ही है कि पैल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके जो भी नी लॉकिन अनलॉकिन है या फिर आपके जो थाइज मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। तो जिस किसी का अगर, और दूसरी बात, आपका अगर जैसे बेली फैट है तो उसको भी कम करने के लिए ब्रिजिंग किया जाता है। तो प्लीज आप ये ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगर आप सिंगल लेग से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दोनों एक साथ से कर सकते हैं। नहीं तो आप और इम्प्रूव करने के लिए और एडवांस लेवल पे जाने के लिए आप सिंगल पैर से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने कोर का एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि बैक वीक होने की वजह से अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, तो गाइस प्लीज अपने कोर को स्ट्रांग कीजिए। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, सर मुझे बैठता हूँ तो चक्कर आता है, मैं चल नहीं पाता हूँ। तो ऐसे में क्या करें, अगर जिनका बैक वीक है तो वो अपने कोर को स्ट्रांग करें। तो जितना कोर स्ट्रांग रहेगा उतने आपको बैक का सपोर्ट करेगा, मतलब कोर बैक को सपोर्ट करेगा बैठने के लिए, चलने के लिए या फिर एक्सरसाइज करने के लिए। फिर मैं यहाँ पे लोअर एब्स को ट्रेन करता हूँ लेग रेज करके। अगर आप लेग रेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं। जैसे मैंने इस एक स्ट्रिप वाला बताया था कि एक बांध के आप पैरों को उठा सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल लेग से भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं साइड लेग रेस करता हूँ। साइड लेग रेस से क्या होता है, जो भी आपके बट का एरिया होता है, पैल्विक का एरिया होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो जिनको बैठने में तकलीफ होती है, जिनका साइटिक का प्रॉब्लम रहता है, तो ये साइड लेग रेस करने से उनका वो प्रॉब्लम दूर होता है। फिर कोर का एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पे प्लैंक करता हूँ। गाइस अगर आप प्लैंक फुल नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मेरे से भी नहीं होता था फुल प्लैंक। तो मैं क्या कम करता था, मैं हाफ प्लैंक करता था। हाफ प्लैंक कैसे करने का, जैसे यहाँ पे आप अपने पंजों पे और अपने हाथों पे हैं तो यहाँ पे आप घुटने पे आ जाइए, घुटना आप सपोर्ट लीजिए और हाथों का सपोर्ट लीजिए, इसको हाफ प्लैंक बोलते हैं। फिर मैं यहाँ पे कैट एंड काउ पोज करता हूँ अपने बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मुझे बैक पेन होता है। तो मैं ज़्यादा करके यही एक्सरसाइज करता हूँ कैट एंड काउ। इससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, जो भी मेरे बैक में स्टिफनेस रहता है या फिर जो भी अकड़न रहता है या फिर पेन होता है, मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ दिन में 2 बार। तो मेरे जो स्टिफनेस है या फिर जो पेन है, जो भी प्रॉब्लम रहता है, वो दूर हो जाता है मेरा। तो ये मैं मेरे लिए समझ लो कि ये वरदान है।
फिर मैं यहाँ पे सूर्य नमस्कार करता हूँ ताकि मेरा बैक जो है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो, जो भी मेरे स्पाइन या फिर जो भी मेरे डिस्क हैं जो मतलब अकड़े हुए हैं, जो मतलब सिकुड़े हुए हैं, ये एक्सरसाइज करने से वो खुलते हैं। मतलब जो भी हमारे डिस्क हैं वो प्रॉपर वे में आ जाते हैं ये स्ट्रेचिंग करने से, सूर्य नमस्कार करने से। अपने पैल्विक के एरिया को ओपन करने के लिए, जिनका नॉर्मल बैठ नहीं पाते, जो उकरू मुकरू नहीं बैठ पाते, जो जो आरामदायक पोजीशन में नहीं बैठ पाते, यानी कि अल्थी पल्थी मार के नहीं बैठ पाते, तो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। और इससे क्या होता है कि जितना आपका यहाँ की नसें खुलेंगे उतना आप इजली जमीन पे बैठ पाएंगे। तो गाइस प्लीज आप ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए।